गाइस हम देखने चल रहे हैं वॉवल पांच ही क्यों होते हैं, ए ई आई ओ यू को ही वॉवल क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वॉवल पांच ही क्यों होते हैं, छह क्यों नहीं हुए, चार क्यों नहीं हुए। गाइस वॉवल का प्रोनंसिएशन वोकल कॉर्ड से होता है, जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू इनका प्रोनंसिएशन वोकल कॉर्ड से होता है। वोकल कॉर्ड ये होती है ना, यहाँ से प्रोनंसिएशन होता है, वो चाहे ए ई आई ओ यू यहाँ से बोल रहे होते ना वोकल कॉर्ड से, इसीलिए इनको इनको वॉवल कहा जाता है। इन पांच लेटर्स के अलावा इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, सबका प्रोनंसिएशन करना, सभी लेटर्स का प्रोनंसिएशन करना, केवल पांच लेटर्स मिलेंगे, केवल फाइव लेटर्स मिलेंगे जिनका प्रोनंसिएशन आप वोकल कॉर्ड से करते हो। बाकी जितने भी 21 लेटर्स हैं, 21 लेटर्स हैं, 21 लेटर्स का प्रोनंसिएशन हम टीथ टंग और लिप्स से करते हैं। जैसे बी डी सी बोल रहे हो ना, एम एल एन के, और जब भी हम प्रोनंसिएशन करेंगे ए ई आई ओ यू का वोकल कॉर्ड से करेंगे ए ई आई ओ यू। तो क्योंकि हम लोग ए ई आई ओ यू का प्रोनंसिएशन वोकल कॉर्ड से करते हैं, इसीलिए इनको वोकल कहा गया। या हम ऐसे कहेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में केवल फाइव ऐसे लेटर्स हैं, केवल फाइव ही ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्रोनंसिएशन वोकल कॉर्ड से किया जाता है, जिनका प्रोनंसिएशन वोकल कॉर्ड से किया जाता है, इसीलिए इनको वोवल कहा गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट।